ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नोट, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस। All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time. प्रश्न 1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर संविधान के आधारभूत तत्वों की व्याख्या कीजिए. In the context of preamble of Indian Constitution, discuss the basic principles of our Constitution. अथवा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कई कारणों का सामूहिक परिणाम था. व्याख्या कीजिए. Indian National Movement was the collective result of many causes. Describe. प्रश्न 2. भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए. डिस्कस क्रिटिकली द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. प्रश्न 3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और कार्यों की समीक्षा कीजिए. कॉमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अथवा भारतीय संसद की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. प्रश्न 4. राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए. डिस्कस द अपॉइंटमेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर. अथवा राज्य मंत्री परिषद के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट. प्रश्न 5. भारत में केंद्र राज्य के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए. Write in brief about center-state relations in India. अथवा भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की विवेचना कीजिए. Discuss the main political parties of India. Paper of language Hindi. प्रश्न 1. कार्यालयीन पत्रलेखन की विशेषताएं बताएं. इसका एक प्रारूप भी प्रस्तुत कीजिए. अथवा बैंकिंग, रेलवे, चिकित्सा व सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा कीजिए. प्रश्न 2. प्रत्यय किसे कहते हैं. प्रत्यय के भेद बताएं. अथवा शब्द की शक्तियों से क्या आशय है, इसके प्रकारों को समझाएं. प्रश्न 3. वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग क्या है, यह न्याय क्षेत्र में किस तरह उपयोगी है. अथवा अधिवक्ता और पक्षकार के मनोविज्ञान से क्या आशय है, यह न्याय व्यवस्था में कितने उपयोगी या अनुपयोगी है. प्रश्न 4. निम्न वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. न्यायालय न्याय के मंदिर है. बप विधि का शासन ही श्रेष्ठ शासन है. सत संविधान देश का सर्वोच्च कानून है. दत न्यायिक पुनरावलोकन ई कानून से ऊपर कोई नहीं होता. निम्न वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए. ए एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज. बी स्टिल द केस इज अंडर कंसिडरेशन. सी एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड. डी आई हैव फाउंड आउट हु अमंग यू इज द थीफ. एट हियरिंग विल बी ओवर एट 5 PM. अथवा भारतीय संविधान अधिनियम की 10 धाराओं का सार संक्षेप में लिखिए. प्रश्न 5. विश्व के विभिन्न देशों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन कीजिए. क्या हिंदी विश्व भाषा बन सकती है. अथवा विधि क्षेत्र में व्यवहार हिंदी पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए. पेपर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ. प्रश्न 1. प्रदूषण से आप क्या समझते हैं. प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं, समझाइए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल्यूशन. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, एक्सप्लेन. प्रश्न 2. वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए. इसे नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए. डिफाइन एयर पोल्यूशन. डिस्कस द वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल इट. प्रश्न 3. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान की विवेचना कीजिए. डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन. प्रश्न 4. पर्यावरण पर ग्रीन हाउस प्रभावों की विवेचना कीजिए. डिस्कस द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट. प्रश्न 5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण रहित पर्यावरण के अधिकार के क्षेत्र एवं विस्तार की व्याख्या कीजिए. डिस्क्राइब द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द राइट ऑफ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रश्न 6. पर्यावरण संरक्षण में सतत विकास की अवधारणा को समझाइए. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. प्रश्न 7. जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड की शक्तियों की विवेचना कीजिए. डिस्कस द पावर्स ऑफ स्टेट बोर्ड टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए. खतरनाक अपशिष्ट व जैव चिकित्सा अपशिष्ट. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. ए हैजर्डस वेस्ट. बी बायोमेडिकल वेस्ट. प्रश्न 9. भारत में वनों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए. डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स. प्रश्न 10.
जैव विविधता की धारणा को स्पष्ट करते हुए जैव विविधता अधिनियम 2002 की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्कस द फीचर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। पेपर ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। प्रश्न एक, भारत की श्रमिक नीति से आप क्या समझते हैं? समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया? एक्सप्लेन। प्रश्न दो, भारत में श्रमिक समस्या पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। प्रश्न तीन, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। प्रश्न चार, हड़ताल क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल करना कहाँ तक उचित है? तालाबंदी तथा हड़ताल में विभेद कीजिए। What is strike? To what extent strikes are permissible under Industrial Dispute Act, 1947? Distinguish strikes from lockout. प्रश्न 5. व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के गुण व दोष पर प्रकाश डालिए। Discuss merits and demerits of Trade Union Act, 1926. प्रश्न 6. व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत व्यवसाय संघ पदाधिकारियों की क्या अर्हताएं होनी चाहिए? कब किसी सदस्य को संघ की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा? विवेचना कीजिए। What should be the qualifications of the office holders of a trade union under the Trade Union Act, 1926? When a member could be expelled from the membership of the union? Discuss. प्रश्न 7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर को समझाइए। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में कौन कौन सी बातें असंगत हैं? Explain minimum rates of wages under the Minimum Wages Act, 1948. What consideration are irrelevant in fixation of minimum wages? प्रश्न 8. मातृत्व हित लाभ से आप क्या समझते हैं? क्या कोई महिला श्रमिक मातृत्व लाभ और कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत एक साथ लाभ प्राप्त कर सकती है? What do you understand by the term maternity benefit? Can a female worker obtain maternity benefits and benefits under Employee State Insurance Act simultaneously? प्रश्न 9. कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या क्या प्रावधान है? विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 विद रिगार्ड टू वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। प्रश्न 10. मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत वेतन शब्द से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट? पेपर ऑफ लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट। प्रश्न 1. अपराध किए जाने की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अपराध किस अवस्था में दंडनीय है? समझाइए। What are various stages in commission of crime? At what stage crime is punishable? Explain. प्रश्न 2. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपराधिक मनस्थिति व अपराध एवं अपकृत्य में अंतर, सत सामान्य उद्देश्य एवं सामान्य आशय में अंतर। Write short notes on any two of the following. A. Mens rea. B. Distinction between crime and torts. C. Distinction between common object and common intention. प्रश्न 3. आपराधिक दायित्व के बचाव के रूप में अपागलपन एवं उन्मत्तता को समझाइए। निर्णीतवादों का संदर्भ दीजिए। Explain A. Insanity and B. Intoxication as a defense to criminal liability. Refer to decided cases. प्रश्न 4. निम्नांकित में से किन्हीं दो को समझाइए। आपराधिक षड्यंत्र व अभिप्रेरण दुष्प्रेरण सब विधि विरुद्ध जमाव। Explain any two of the following. A. Criminal conspiracy. B. Abetment. C. Unlawful assembly. प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो का अंतर बताइए। लूट एवं अपकर्षण व अपहरण एवं व्यपहरण सत सदोष मानव वध एवं हत्या। Distinguish between any two of the following. A. Robbery and extortion. B. Abduction and kidnapping. C. Culpable homicide and murder. प्रश्न 6. अब चोरी की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व समझाइए। Explain definition and essential elements of theft. बक के खेत से फसल काट कर खेत से दूर बम्बे में फेंक देता है। अब ने क्या अपराध कारित किया है? A. Cuts crop from field of B. And throws it in can at away from the field. What offense A. Has committed? प्रश्न 7. आपराधिक दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यास भंग को समझाइए तथा दोनों में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। Explain criminal misappropriation and criminal breach of trust and also explain the difference between the two. प्रश्न 8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो को समझाइए। सदोष अपरोध एवं सदोष परिरोध विधि की भूल एवं तथ्य की भूल से आपराधिक अत्याचार।
Explain any two of the following. A. Wrongful restraint and wrongful confinement. B. Mistake of law and mistake of fact. C. Criminal trespass. प्रश्न 9. दहेज मृत्यु के अपराध की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व समझाइए. निर्णतवादों का संदर्भ भी दीजिए. Explain definition and essential elements of the offense of dowry death. Give reference to decided cases also. प्रश्न 10. भारत में मृत्यु दंड जारी रखने के पक्ष विपक्ष में अपने विचार समझाइए. Explain your views for and against the retention of capital punishment in India. Paper of jurisprudence. प्रश्न 1. न्यायशास्त्र विधि शास्त्र के अभ्यास का स्वरूप क्षेत्र एवं महत्व बताइए. Discuss the nature, scope and importance of the study of jurisprudence. प्रश्न 2. विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की मुख्य विशेषताएं विस्तार से वर्णन कीजिए. Discuss main features of the historical school of jurisprudence. प्रश्न 3. मिसाल के सिद्धांत की सिद्धांत के सिद्धांत के साथ विस्तृत चर्चा कीजिए. Write an elaborative note on doctrine of precedent with the concept of stare decisis. प्रश्न 4. होमफील्ड के कानूनी अधिकार का तांत्रिक विश्लेषण बताइए. Describe in detail Hofeld's jural analysis of legal right. प्रश्न 5. शीर्षक इस संकल्पना को उसके वर्गीकरण के साथ लिखिए. Explain the concept of title in brief with its classification. प्रश्न 6. कानून की व्याख्या दीजिए तथा कानून के स्वरूप एवं उद्देश्य को उसके विभिन्न प्रकार के साथ लिखिए. Define law. State the nature, purpose of law with its various kinds. प्रश्न 7. जॉन ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को उस पर हुई आलोचना के साथ बताइए. Enumerate John Austin's theory, analytical positivism, with criticism on it. प्रश्न 8. वैध रूढ़ी पर कानून के एक महत्वपूर्ण स्रोत के संदर्भ में प्रकाश डालिए. उसकी आवश्यकताएं तथा उसके प्रकारों को उनके संपर्क उदाहरणों द्वारा लिखिए. Throw light on the custom is an important source of law. Write essentials of a valid custom and state its kinds with suitable examples. प्रश्न 9. निम्नलिखित का वैधानिक दर्जा बताइए. अनाबालिग व्यक्ति व अजन्मा व्यक्ति. State the legal status of the following. A. Minor person. B. Unborn person. प्रश्न 10. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए. अक्षक्त देयता व प्रतिनिधिक दायित्व. Comment on the following. A. Strict liability. B. Vicarious liability.